के बीच उनका फासला काफी था। पेरियार 70 से कुछ ज्यादा थे जबकि मलयम 30 की। पेरियार की सेहत खराब थी और उन्हें यूरोमेक तक लग चुका था। पेरियार यानी वीआर इरू लंकटप और रामास्वामी जिन्हें दक्षिण भारत की राजनीति का महामानव कहा जाता था और सम्मान स्वरूप लोग उन्हें पेरियार के नाम से जानते थे। तमिल में पेरियार का अर्थ है सम्मान्य, लेकिन उनकी शादी की भारत भर लगने से विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। इसकी कल्पना खुद पेरियार ने भी नहीं की थी। आखिरकार 28 जून को उन्होंने एक और वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा, मलयम माई बीते 5 साल से मेरी सेवा कर रही है। बीके की विचारधारा में उसकी आस्था भी है। पेरियार ने इसी वक्तव्य में मलयम माई से शादी करने की घोषणा के साथ ही उन्हें अपना व्यक्तिगत और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। पेरियार के इस फैसले का पार्टी में ही खूब विरोध हुआ। पहली बार पेरियार को समर्थकों के बीच से इतने विरोध का सामना करना पड़ा था। जुलाई में नगर समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने पेरियार से आग्रह किया कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करें। हालांकि पेरियार तस से मस नहीं हुए। पार्टी की प्रशासनिक समिति ने भी बहुमत से प्रस्ताव पास किया कि पेरियार शादी न करे। विरोध चलता रहा और पार्टी के भीतर पुनर्विचार के प्रस्ताव पास होते रहे, लेकिन पेरियार अपना फैसला कर चुके थे। उन्होंने जुलाई में ही पार्टी के पदाधिकारियों को एक टेलीग्राम करके साफ कर दिया कि वह शादी कर चुके हैं। इस विवाद का अंत पार्टी में टूट के साथ हुआ। डीके से अलग होकर डीएम के बनी यानी द्रविड़ मुनीत्र का चिकम। शादी से पहले मलयम माई सार्वजनिक तौर पर पेरियार को अप्पा कहती थी यानी पिता। ऐसे में आरोप ये भी लगते हैं कि क्या पेरियार ने अपनी ही गोद ली हुई बेटी से शादी की थी। समर्थन और विरोध में तमाम तर्क है। हालांकि उस समय तक गोद लेने का कानून नहीं था। ऐसे में कहा जा सकता है कि मलयम माई कानूनन पेरियार की गोद ली बेटी नहीं थी। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि पेरियार एक सामान्य महिला को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे, लिहाजा उन्होंने विवाह का रास्ता चुना ताकि वे कानूनन उसे अपना वारिस बना सके। 17 सितंबर 1889 को जन्मे ही वीआर ने 1919 में राजनीति की शुरुआत कट्टर गांधीवादी के तौर पर की थी। वो कांग्रेस के सदस्य थे। हालांकि बाद में उनका मतभेद गांधीवादी विचारधारा से हुआ तो वह इससे अलग हो गए। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में उन्होंने अपना एक दल स्थापित किया और जातिवाद और ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़े हो गए। तमिल की राजनीति में पेरियार को महामानव का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के वक्त जाति व्यवस्था ने उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति खींच पैदा कर दी थी, जिसके बाद वह नास्तिक हो गए। पेरियार हिंदी को अनिवार्य तौर लागू किए जाने के भी विरोधी थे। वह अलग तमिल राष्ट्र चाहते थे। 1973 में 94 साल की उम्र में उनके निधन के बाद मलयम माई ने डीके की कमान संभाली। कहते हैं कि नागवे और पेरियार के बीच दूरी उसी वक्त आ गई थी जब नागवे कांग्रेस के समर्थन से सरकार में शामिल होना चाहते थे, जबकि पेरियार बिना पूर्ण अधिकार के किसी भी सरकार में शामिल होने के विरोधी थे। 1947 में नागवे ने पेरियार का ये कहकर विरोध किया था कि हमारा कांग्रेस के प्रति विरोध देश की आजादी के प्रति विरोध नहीं है। अन्ना और पेरियार के बीच की ये दूरी ही डीएमके के उद्भव की वजह बनी।